नमस्कार दोस्तों, आशा है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड यूट्यूबर अनु जोशी में। दोस्तों, आज मैं ले चलूंगी आपको एक ऐसी जगह की सैर कराने जहाँ का सौंदर्य अपने आप में अद्भुत है और जो अपने साथ साथ बहुत से लोगों का, चंपावत के लोगों का पेट भरता है, जिससे लोग दो वक्त की रोटी कमा पाते हैं। और तीसरी चीज, वो अपने आप पे उत्तराखंड का गौरव है और चंपावतवासी वहाँ शौक से जाना पसंद करते हैं, बाहर से आए पर्यटक वहाँ देखना पसंद करते हैं और वहाँ की अद्भुत सुंदरता का आनंद लेते हैं। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। हम चल रहे हैं आज चंपावत के टी गार्डन में, चलिए चलते हैं। अभी हम पहुँचने वाले हैं चंपावत मार्केट में। एक रास्ता वैसे जैसी चौक से भी है, हमारे पीछे से था, लेकिन हम वहाँ से नहीं गए, हम मार्केट से जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा मार्केट में भी काम है। चंपावत मार्केट से टी गार्डन की दूरी महज लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर है। ये देखिए, हम पहुंच चुके हैं टी गार्डन की सीमा पर। देखिए, यहाँ से टी गार्डन शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने जब डिसाइड किया कि उत्तराखंड में ऑर्गेनिक टी के लिए एक टी स्टेट होना चाहिए, तो उन्होंने नौटी कौसानी, चंपावत और घोड़ाखाल नैनीताल, इन तीन जगहों में 218 हेक्टेयर भूमि पर चाय का प्लांटेशन करवाया उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। बस वही है ये टी गार्डन। बीच में सड़क और ऊपर और नीचे पूरा टी गार्डन का व्यू यहाँ की सौंदर्यता में चार चांद लगा देता है, जो मन को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ ग्रामीण महिलाएं काम कर रही हैं, इनका ये हमेशा का काम होता है, क्योंकि जो चाय की पत्तियाँ होती हैं ना, मुझे इनसे बात करके पता चला कि चाय की पत्तियाँ ना हर हफ्ते तोड़ी जाती हैं, वरना मैं सोचती थी कि कुछ महीनों का टाइम होता होगा। इनसे पता चला कि हर हफ्ते चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, तो कुछ महिलाओं का हमेशा का रोज़गार है ये। कुछ महिलाएँ हैं जो 18-18, 19-19 साल से भी काम कर रही हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं। यही चंपावत में फैक्ट्री में ये फिर तोड़ के भेजा जाता है और वहाँ इसकी प्रोसेसिंग होके चाय पत्ती बनती है। इस गार्डन की बनती है उत्तराखंड टी, ऑर्गेनिक टी भी बनती है और ग्रीन टी भी बनती है। ये है उत्तराखंड टी की ग्रीन टी, 250 ग्राम के पैकेजिंग में आती है ये और इसका रेट है 250 रुपीज। ये है उत्तराखंड टी की ऑर्गेनिक टी, काफ़ी शानदार से वुडन बॉक्स में आती है ये और इसका पैकेजिंग है, इसके 100 ग्राम का पैकेज है ये और इसका प्राइस है 175 रुपीज। ये उत्तराखंड टी यहीं चंपावत में इसकी फैक्ट्री है, वहाँ बनती है और उसके बाद सप्लाई होती है। और ये देख रहे हैं ना आप, ये है छोटी सी दुकान, यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको भूख लगी है तो स्नैक्स टाइम या फिर कुछ भी मैगी वैगी बनवा के आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक खूबसूरत लोकेशन होने के साथ ही साथ टी गार्डन चंपावत के लोगों का एक पसंदीदा शूटिंग प्लेस भी है। यहाँ बहुत लोग शूटिंग करते हैं, पवनदीप राजन भाई की वीडियो, पहाड़ी गीतों की वीडियो में भी आपको यहाँ की झलक देखने को मिलेगी। बहुत शानदार लोकेशन है यहाँ का।
देखिए वैसु की मस्ती, इसका गाना सुना होगा आपने, और यहाँ पे ना ये अकेले अकेले डांस कर रही थी, लेकिन जब मैंने रिकॉर्ड करना चाहा तो फिर इसने नहीं किया। चलिए अब चलते हैं घर को। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।